नमस्कार आपण मानू आम चैनल को स्वागत। आज मुं गोटे यूनिक स्टाइल इडली रेसीपी नहीं आसी तो बिरी चाउल इडली सुजीर इडली एमती बहुत सारा जिनस इडली बन खाई किंतु आज इडली रेसीपीटा पूरा यूनिक अच्छी। आज आम सीमेरे इडली बनवा शुणिक आपण मानक आश्चर्य लगुव किंतु यहाँ बनी सारापर आर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसी गोटे थर आप बनातु रेसीपी केमी लगला मत निपुभव कमेंट करके जनातु। तो चलतु ए सीमे इडली बनवाई आमको कौन सब इनग्रीडियंट्स फास्ट दरकार आम देखने से गोटे कप नहीं जाइए सीमे एवं सीमे को मु गैस फ्लेम अन करी फ्राइंग पैन बसई दी पैन में आम सीमे को भल भाव भाजी ने देखु गोल्डन ब्राउन कलर होगा जाए मुझे सीमे को भाजबार अच्छी चारु पांच मिनिट पर सीमे को एपट सेपट करके गोल आउ सीमे कलर पूरा केते चेंज होने देखिके जापर थे सीमे ये आम गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए छु सात बड़ चामच सीमे को मु गोटे गिना को फास्ट बाहर करू बाकी तक सीमे को आम बाउल को ट्रांसफर करे देखु बाकी तक सीमे को मु बाउल को ट्रांसफर करतीक सीमे नहीं सेम क्वांटिटी ये मुझे सुजी कारण खाली सीमे रे तो इडली आमर बाइंडिंग हेबनी से सुजी को भी एड करने को पड़ो सुजी मध्यदेसी तासह सेम कप्रे मेजर करके गोटे कप नहीं जाइए मुझे दही दही ये निहाती एड करेंगे दही को बिलकुल भी स्कीप करे ए सब कु आम भल भाव गोल स्वाद अनुसार गोटे टेबुल स्पून लुण पकई दौ भल भाव देखते गोल एबरे आल्प टिके मुझे पा एड करदे आपको भल भाव गोल या कभर करके पूरा कोड़े मिनिट पर रखीद ए सबू को मुझे कभर करके कोड़े मिनिट पर रखीदी आतर आम इडली छाँच में आम ऑयलिंग करे देखूँ इडली छाँच को मुझे भल भाव ऑयलिंग करदे आमे इडली टी भल देखा कि कंचा लंका रेड कलर कंचा लंका को अल्प किसी गोटे देदेगी इडली छाँच तासह भाजिक रखी सीमे को मैंदे सेम प्रोसेस सबुतक छाँच एगुड़ा मुझे रेडी ही जाइए आपटे कभर करके रखार सीमे को आमर एटी कोड़े मिनिट हो कोड़े मिनिट पर मुझे देखा कि पा पूरा भलसे सोपरी एवं आम ए गोटे तड़का लगे मानते छुंक देवा से गोटे पैन बसई नहीं जा टेबुल स्पून तेल तेल गरम है गोटे बड़ टेबुल स्पून नहीं जाइए सोरस सोरस को तेल में पकईदे ये सोरस आम फुटला एवं रखी भृसंग पत्र को मैं हाथ में पकईदे आपको गोटे मिनिट भाजी नेबा यहाँ हो गला छुंक ए एबे गरम छुंक को आणिकी सीमे बैटर आम पकईदे आई सब को आम भल भाव गोल देखु ए सब को मुझे भल भाव गोल नहीं गोटे टेबुल स्पून मु जीरा और लंका गुंड पकाउ भल टेस्ट आसवापाई तासह पकईदे खाइबा सोडा हाफ टेबुल स्पून पखापाखि खाइबा सोडा दे दी आसबू को भल भाव देखते मुझे गोल एबे सीमे रो बैटर आमर बिल्कुल रेडी ही जाइछि एबे छांच को आम बैटर सब कुछ देदे देखु छांच रे बैटर सब कुछ केयरफुल भाव में देदे
आउ एपटे मु इटली छांचरे पानी बसई देथिले गरम होबा पई आउ पानी पूरा हमर एठी गरम होई जाई छी। एबे केयरफुली भाबरे ए स्टैंड सब को छांच भीतर आमे दे दबा। देखन त माकू भल भाबरे ए भीतर दे दे छी। एबे आकू कवर करिकी 10 रु 15 मिनट कुक करिने पा। ये 10 मिनिट पर मुझे टूथपिक रे चेक करके देखा देखु कि लगू ना मानते सीमे आमर बिलकुल रेडी आउ गोटे इटली को चेक करके देखा हाथ को बिलकुल भी लगुनि सीमे आमर रेडी फटाफट छाँच सब कु आम बाहर करे आपको थंडा होगापी छाड़ीदे। 5 to 6 minutes फैन तले आपको थंडा कलापर एवं मुझे गोटे इडली बाहर करके देखा देखु केजिली आमर इडली छाचर बाहरी जाने देखिक जापर थे छाचरे बिलकुल भी लगुनि। एवं आपण मानक प्लेट को देखा देखु के बढ़िया आमर सीमे इडली बनीगला पूरा यूनिक स्टाइल तो निहाती ए इडली को आपण मैंने बनातु जेकोसी चटनी तरकारी कि टमाटो सस भी आपड़ खाई टेस्ट आउ फ्लेवर तो बहुत ही भल बनी कहबी तो निहाती आपको गोटे थर बनातु आउ यूनिक स्टाइल रेसीपी आपमती लगे आपण अनुभव मत कमेंट करके निहाती भाव में जनातु। आशा करुछी आज रेसीपी आपण मानक निहाती भल लगी। वीडियो भल लगी लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ एमती नुआ नुआ रेसीपी आगो को आहरी देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब कलापर पाखे आसुवा बेल आइकन को भी क्लिक कर दिंतु। धन्यवाद।